सुना अमृत बोल दे हर नाम सुहावे हर नाम सुहावे गुर रसना अमृत बोल दे गुर रसना अमृत बोल दे जिन सुन सिखा गुर मन्नेओ तिन्ना भुख सब जावी जिन सुन सिखा गुर मन्नेओ तिन्ना भुख सब जावी सतगुर दाता आखिए तुस करे उसाओ सतगुर दाता आखिए तुस करे उसाओ द्वारे ओ जिन तितड़ा ना हाँ गुरु विट्टो सद्वारे ओ जिन तितड़ा ना अमृत बोल दे गुर रसना अमृत बोल दे सो धन गुरु शाबाश है हर दे सुनेहा सो धन गुरु शाबाश है हर दे सतगुर दे हाँ वेख वेख गुरु विग से गुर सतगुर दे हर नाम सुहावे सुना
अमृत बोले गुर रसना अमृत बोले हर का मार्ग आखिए कहो कित बित जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जन संभाले हर नाम सुहावे हर नाम सुहावे गुर रसना अमृत बोल दे गुर रसना अमृत बोल दे साहेबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी रंग है आपे बहुरंगी ज्योतिष भाव नाम का सही गल चंगी हर नाम सुहावे रसना अमृत बोल दे गुर रसना अमृत बोल दे हर नाम सुहावे हर नाम सुहावे गुर रसना अमृत बोल दे गुर रसना सुना अमृत बोल दे वाहेगुरु। सम्मान योग गुरु की साजी निवाजी सत्संग जी अज वैसाख दी संग्रांग दा दिहाड़ा भी है दूसरा खालसे पंथ का जन्म दिहाड़ा है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने 1699 की विसाखी नूं खालसा पंथ की साजना की
जिन्हों महाराज जी कहते ने हम यह काज जगत मो आए धर्म हेत गुरुदेव उठाए। सतगुरु अपनी बाणी विच दसदे ने यह काम वास्ते ही असीं जगत दे विच आए। गुरुदेव परमात्मा ने धर्म की रक्षा करन वास्ते धर्म नूं चलाउण वास्ते भेजिया ते सतगुरु महाराज यह भी दसदे ने अपना पुत्र बना के भेजिया और आख्या भी खालसा पंथ की साधना वास्ते तेनू भेज रहे। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1699 खालसा पंथ की साधना की ते खालसे की बहुत वड्याई की इतिहास आप जी जानते ही हो भी गुरु महाराज जी ने पंजां दे सिर ले उन्हां नूं दोबारा सरजीत कीता खंडे वाटे की पहल तैयार करके अमृत उन्हां नूं छकाया फिर उन्हां दी वड्याई यह कीती भी खालसा मेरो रूप है खास। गल ये विचारन वाली है इत्थे कि वो खालसे किवें बने जिन्हां ने गुरु नूं तन ते मन दोवें अर्पण कर दिते अपना आप छड़ दिता अपना आप त्याग के अपना गुरु ने जे सिर मंगिया सिर ही दे दिता जो गुरु मंगदे जो गुरु आखदे गुरु दे हुक्म नूं मन्निया ते सतगुरु दी बाणी यही समझाउंदी है तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने पाई है। जे हुक्म कोई मन लवे तन मन धन गुरु अगे सौंप देवे तो प्रभु परमात्मा नूं मिल जांदा गुरु परमात्मा नाल मिला दिंदा। खालसा केवल ते केवल भेख नूं नहीं आख्या भेख जिहड़ा है कृपाण पाउणी कंघा रखना कड़ा पाउणा केस रखने कशहरा पाउणा यह है जिवें स्कूल दे विच बच्चे नूं असीं दाखल कराउने ते यूनिफॉर्म मिलदी ना यह खालसे दी वर्दी है। फिर पढ़ाई करदियां करदियां जिहड़ा डिग्रियां कर गया पीएचडी दी डिग्री जिन्हें लै ली वह फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो पढ़ाई करके फारग हो जाता है पढ़ाई पूरी हो जाती है ना दे मोहरे फिर डॉक्टर लग जाता है जिहड़ा पीएचडी कर लैंदा उहदे ना दे मोहरे डॉक्टर लग जाता है ते वह केवल दे केवल नाम का डॉक्टर नहीं हुंदा उन्हें मेहनत करके इन्ना सारा ज्ञान इकट्ठा किया इन्ने जीवन दे साल 20 साल कह लो तकरीबन उसने लाए तो इस पदवी नूं प्राप्त उसने किया। इवें ही गुरु दा सिख गुरु दी दसी हुई पढ़ाई करदा है गुरु दे हुक्म नूं मंनदा ते चलदा चलदा एक दिन इस सिख दी आत्मा परमात्मा दे विच अभेद हो जांदी है गुरु दे मार्ग ते दसे हुए मार्ग ते चलदियां चलदियां जिहड़ा अभेद हो गया जिहदी आत्मा परमात्मा नक मिल गई ना
ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗ ਔਗ ਟਰੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਫਲ ਧਾਮ ਪਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਘਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਵ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਨਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਛਤਰ ਮਰ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ।
भुन ताम परे इन्हीं की कृपा भुन ताम परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं 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 अंदर साज बैठे गुरु रूपारी सत्संग जीओ महाराज की बख्शिश की फतेह प्रवान करना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दया कीती महाराज जी ने जो ऐसा समां मत उद्दम बख्शिया है गुरु महादेव जी दे अंदर सज बैठे हाँ गुरु दी संगत गुरदे शब्दां गुरबाणी राही अपने समय ते जीवन सफला करना कर रहे हैं। जिवें अज विसाखी का दिहाड़ा सब संगतां मना रही ने जिथे सिख मनाउंदे ने उत्थे हिंदू वीर भी इस दिहाड़े नूं मनाउंदे ने बोधी भी मनाउंदे ने। विसाखी की प्रथा भारत वर्ष विच बहुत चिर तो चल रही है। गुरु नानक महाराज के अवतारण तो पहला विसाखी की प्रथा भारत वर्ष विच चलती रही है। विसाखी एक छोटी जात का त्यौहार मनिया जाता सी जिमें शूद्र कह सकते दे विच छोटे जिमीदार आते सन उन्हों का त्यौहार से जब कि फसल बाड़ी पक जानी थोड़ी जी खुशी रखते हाँ इस त्यौहार मनाया जाता सी। उस तो बाद धन धन गुरु अमरदास महाराज तीजे पातशाह महाराज जी ने विसाखी से संगत का कट होना जो गुरु का उपदेश धारण कर आना संगत ने दूर दराडे तो चल के उत्थे महाराज नाल सिखा ने विचार की महाराज साल के एक दिन रखा गया है संगत आउंदियां ने उपदेश आप जी का धारण कर दियां ने जे साल में दो बार ऐसा दिहाड़ा मना लिया जाए तो उस तो बाद दूसरा दिहाड़ा से दिवाली का दो दिहाड़े महाराज जी ने सिख धर्म उलीक दिते जिसते सिख संगत कट्ठिया होया कर दियां सन। उस टाइम लोगों पास इन्नी पढ़ाई नहीं सी पता नहीं लगता सी संगरांद की है तो विसाखी की है कुछ नहीं सी पता सीधे साधे लोग सन जिमें ब्राह्मण कह दिता संगरांद है जो विसाखी उस हिसाब के नाल संगत पहुँचदियां सन। इतना जो अज बहुत साधन ने सानू साढ़े पास बहुत बहुत से तरीकां अगलियां पिछलियां देख सकते पर उस समय ऐसा नहीं सी। जिमें खालसे की असी गल करते हैं खालसा भाई साहब ने जन्म दिवस दसिया पर महाराज किन्ने ने यह किया दसवें पातशाह ने प्रगट किया खालसा खालसा तो कबीर जी तो चल पाया ना वो खालसे ने कहो कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत जह जानियो खालसे ने खालसे महाराज ने असी प्रगट किया उस परमात्मा की रहमत सदका खालसा किड़े खालसे ने महाराज ने दस दिता वह खालसे ने जो सच्चे सिख ने गुरु दे दसे हुए सिद्धांत नूं गुरु दे वचन सत सत के करके मान लिया। जिवें अज विसाखी का दिहाड़ा असीं मना रहे हां असी संगरांद नूं गुरु पास होने हां धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का जो उपदेश है विसाखी नूं महाराज ने दसिया जिवें भारत वर्ष दे विच इस दिहाड़े नूं लोकां ने मनाया तीर्थां ते नहा लिया होर दान पुन कर लै इस तरह बाहरी तौर दे सुख दी भाल विच असीं हाँ कि किसी तरह शरीर का सुख भालदे हाँ सुख वास्ते ही गुरु पास जां होर जिहदे में किसी का कोई इष्ट उत्थे जांदा है कोई देवियां नूं पूजदा देवते नूं पूजदा कोई जगह ते जांदा अपने शरीरक सुख वास्ते। गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करदे ने विसाख धीरन को वाढियां जिन्हां प्रेम विशो कादा तू सुख माण सकदा है कादा सुख कादे वो जीव स्त्री सुख किवें माणेगी जिसका पति दूर वसदा है तेरी जिंद का जो खासम परमात्मा तो दूर कई जन्म विछड़े हो गए तू कादा सुख पालदा है किवें सुख हो सकता है। देखो गुरु की गुरबाणी डगियाई बहुत है पर जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं जदों विचारांगे फिर सानूं दसेगा कि असीं तो बहुत दूर खड़े हाँ अपने जीवन तो बाहरी तौर पर जितना मर्जी नजदीक गुरु के पास बैठ जाइए मन करके बहुत गुरु के उपदेश तो दूर हाँ
गुरु अर्जन देव महाराज बख्श जी करते हैं विसाख धीरन गवाड़िया जिन्हों प्रेम विछो जिन्हों प्रेम का विछोड़ा आया उस बसम नालों कादा सुख किवें सुख मानेगी जी विस्तरी महाराज अगे समझाते हैं हर साजन पुरख वसार का लगी माया तू परमात्मा वसार के जिमें संसार के धंध्या मस्त है मन दुनिया के धंधे माया के मस्त है मस्त दिन रात सुखने सुखते ने पुत्रां धियां का प्यार है जमीना जायदातों का प्यार महाराज बख्श करते ने हर साजन जो परमात्मा तेरा खसम है उसनू वसार के लगी माया तो माया की तांग रह गई है सिर्फ माया का ही एक पैर रह गया इसे ते ही जीवन खड़ा है माया ये नहीं कि धन दौलत माया बड़ी है जितने परमात्मा विसर जाए माया चाहे पुत्रां धियां का प्यार है जमीना जायदादों का प्यार है जितने खुसम ही विसर जाए इतने ती कल मैं सुनता मसकी जी कहते इष्ट चाहे कोई ब्रह्मा चाहे रामचंद्र है जे ओदे करके तेनों परमात्मा विसर जाए वह भी माया है वह भी माया जिस उत्थे तू रुक गया इसे तरह महाराज बख्शिश करते हैं पुत्र कलत्तर गुरु अर्जन देव महाराज जी बचन ने गुरु के बोलों का कोई मुल नहीं है कोई शब्द एक एक जो वचन ने गुरु महाराज के कोई मुल नहीं अमुल है पर व्यापारी जो होंगे ना व्यापारी जो जि सौदा करता वह जो व्यापारी हीरे की पछाण जवाहरियां है गुरु के शब्द की पछाण विवेक बुद्ध होवे तो करता है पकड़ करता है जिन्हों तांग है खसम मिलन की परमात्मा मिलन की उन्होंने फिर गुरबाणी मिठी लगती रास्ता उन्होंने पंध मिलता किमें उस परमात्मा तक असी पहुँच जाइए किमें उसके खुदा के दर से कबूल हो जाइए दुनिया में आए हैं सुख है जन्म है सुख है दुख है मौत है जीवन है तो बद कुछ भी नहीं है कितने सुख आ गया कितने दुख आ गया तो मौत अटल है उन्हें कोई बदल नहीं सकता लेकिन इस जीवन के रिंदियां जो अपनी मंजिल तह कर गया वह लोक तो परलोक सवर जाता है वह संसार से आना सफला है इस तरह महाराज बख्शिश करते हैं पुत्र कलत्तर ना संगत ना जितना मर्जी धियां पुतों ना प्यार कर ला तू जितना मर्जी धन इकट्ठा कर ला हर फिर संघ निभने वाला नहीं है कुछ भी सदीवी रहने वाला कुछ नहीं हर अविनाशी ना नाश होने वाला हर अविनाशी वो सदा रहने वाला एक परमात्मा है वो सदा तेरे अंग संग वसदा है ते मरन तो बाद भी तेरे नाल रहेगा इस तरह महाराज समझाते ने पल च पल सगली मुझ झूठे धंधे मोह सारा ही संसार बार बार गलतान इसे विच ही बार बार जमदा ते मरदा इसे विच ही माया दे मोह विच ही पुत्रां धियां दे प्यार विच ही परमात्मा खासम नूं वसार दिता ते सुख कादा भालदा है अगे महाराज बख्शिश करते हैं एक सर के नाम बिन अगे लईए खोए फिर जे परमात्मा का नाम नहीं पले बिन अगे तो फिर किते हुए कर्म जो किते हुए इत्थे फिर दरगे विच लेखा देना पैंदा है संसार की धन दौलत पिछे समा निकल गया लेकिन जिसने सवास गिण के दिते सी एक एक सवास का हिसाब देना पवेगा की करके चलिया की लैके चलिया गुरु पास ऐसा ज्ञान जिन्हों प्रचंड ज्ञान महाराज कहते एक सर के नाविन अगे लईए धोए परमात्मा तो बगैर सब कुछ इत्थे ही छड़ के जाना है दयो वसार विगुचना प्रवन अवरना कोई जे परमात्मा ही वसार दिता तो सुख नहीं है संसार के पदार्थ सुख नहीं दे सकते परमात्मा की वंदगी ही सुख दिंदी है जिथे आत्म आनंद खेड़ा है प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए जो परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ जाते हैं उन्हों का मन ते तन निर्मल हो जाता है उन्होंने बार कितने तीर्थां ते जाण दी टिक्के लाउण दी जां जिन्नी पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी ये भारत वर्ष चलता रहा है इस महाराज बख्श जी कहते जो परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ गया वह तन ते मन निर्मल हो जाएगा वह उसके दर से परवाने नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त हुए बेनती है नानक दी की है जे नहीं कुछ कर सकता तो तरला कर ला बेनती कर ला प्रभ मिलो प्राप्त हुए तू रहम कर अपनी बंदगी की दात दे दे तू मिल पा मिलाप बख्श गुरु अर्जन देव महाराज जो अज का महीने का उपदेश है जे इतना जिक्र उस परमात्मा नाल ये आत्मा मिलती ने दुख इवें बनिया रहेगा वड्डा दुख ही विछोड़ा महाराज कहिंदे जन्म मरण का दुख वड्डा है जे समझ आ जाए उत्थे अज जिवें खालसा दिवस जिवें महाराज ने प्रगट कर दिता खालसा परमात्मा की मौत रहम सदका
समा बनिया आनंदपुर की धरती उत्ते जद गुरु तेग बहादुर महाराज नौवें पातशाह महाराज ने अपना बलिदान दे दिता हिंदू धर्म वास्ते। समय दी नजाक नूं देखदिआं होइआं दसवें पातशाह महाराज जी ने जो सिख संगतां नूं चिट्ठियां पा दित्तियां, सारे भारत वर्ष में चिट्ठियां पा दित्तियां। कवि दी कलम लिखदी है, लिख चिट्ठियां दशमेश जी ने सब संगतां नूं पाइयां। जद सदा सदा मिलिया सतगुर तां संगतां देरियां ना लाइयां। सदा सी के जिवें विसाखी ते इकट्ठ हुंदा है, मेले लगदे ने, लेकिन इत्थे महाराज जी ने सदा चिट्ठियां पा दित्तियां सब संगतां नूं कि एक कौतक कि आनंदपुर दे विच होवेगा। सब संगतां नूं महाराज चिट्ठियां पा दित्तियां, दूर दराडे भेज दित्तियां गईयां, तां पर संगतां ने भी उस समें नूं मुख रखदिआं उत्ते देरियां ना लाइयां। कवि लिखदा कि श्री आनंदपुर साहिब संगतां हुम हुमा के आईयां, बड़ा संगतां दा इकट्ठ आनंदपुर साहिब दे विच होया। जद अज पूरी आनंदा वाली अंदर संगतां रौनकां लाइयां, बड़ा आनंदा दी पूरी विच बड़ा संगत दा इकट्ठ है, भारी इकट्ठ है। प्रशादे पानी पकदे ने, पकवान पक रहे ने, बड़ा इकट्ठ है। उस समय दी डीक है, किहड़ा कौतक गुरु महाराज ने अज दर्शाउणा है। कोई लंगर पिया पकावे, कोई लंगरां दी सेवा करदा है, कोई लंगर पिया छकावे जी, कोई जूठे भांडे मांज रिहा जी, कोई वह लंगर खावे जी। ये उत्थे दा कौतक वरत रहा, कोई लंगर पकाउंदा है, कोई छकाउंदा है, ते कोई खा रहा है। सिख संगतां इकट्ठ बड़ा आनंदपुर साहिब दी धरती ते, कोई सेवा करदा झाड़ू दी, ते कोई सिख गुरु दे दर ते जाके झाड़ू दी सेवा करदा, कोई पानी ढोवे जी, ते कोई पानी ढोंदा है। अज बड़ा संगतां दा भारी रश है आनंदपुर दी धरती दे उत्ते। कोई लंगर ते बालण ते लकड़ां ला के आवे जी, कोई लकड़ां दी सेवा करदा है, बालण लियांदा लंगर वास्ते, कोई बाणी सिखदा ते कोई बाणी सिखावे जी। किसे नूं बाणी दा प्यार है, कोई संथिया दे रहा ते कोई संथिया लै रहा, आनंदां दी पुरी दा जो उस सविदा कवि ने दृश्य खिचना कीता है। अगे कोई सिख गुरु दी उच्ची सुर विच बाणी नूं गावे जी, ते किते गुरबाणी गाई जांदी है, लंगर चलदे ने, पंगतां लगियां ने, कोई छकदा है कि छकाउंदा है, जिस नूं जिथे सेवा मिलदी है चा नाल सेवा निभावे भी। जिथे भी किसे विच नूं सेवा मिलदी उह निभा रिहा, कोई जोड़ियां दी निभा रिहा, कोई पाणी ढोंदा है, कोई लकड़ा ढोंदा है, हर कोई अज वाजां वाले दीआं खुशियां चाहवे जी। हरेक कोई चाहुंदा कि अज गुरदास ने पाछे दी खुशी लै लवे। गुरु ते परमात्मा च कोई फर्क नहीं है, एक ही है गुरु दे वचन, परमात्मा उन्हां दे मुख ते वसदा, जेबा ते वसदा, संतां दी रसना ते वसदा परमात्मा। अगे महाराज बख्शी करदे ने, दसवें पातशाह महाराज ते तो जो कौतक दिखाना है, मन विच बड़ा उत्साह है लोगों के, महाराज ने चिट्ठियां पाईयां कि एक बड़ा वड्डा कौतक आनंदपुर की धरती से विसाखी वाले दिन दिखाया जाएगा। सिख संगतां कुछ समा पहलों पहुँच गई ने, लंगर पानी चल रहे ने, सेवा आनंदपुर नंदा की पुरी विच चल रही है। कि कौतक करना सतगुरु ने यह देखने लई उत्साह बड़ा संगतां विच, की कौतक करना सतगुरु ने यह देखने लई उत्साह बड़ा। गुर सद्दा भेज बुलाया जी, इस गल का सब नूं चा बड़ा, गुरु ने सद्दा भेज के बुलाया है, बड़ा वड्डा कौतक दिखाना, बड़ा चा है मन विच संगतां दे कौतक देखण लई। हुण इंतजार सी संगतां नूं विसाखी वाले दिहाड़े दा, हुण इंतजार सी संगत नूं विसाखी वाले दिहाड़े दा, बड़ा संगतां नूं ओह दिन दा इंतजार सी, कद विसाखी वाला दिन आवे तां गुरु महाराज दे कौतक नूं देखणा करिए। अज नवां रूप ही देखना है संगतां ने सतगुरु प्यारे दा, फिर आ गया दिन विसाखी दा, लग्या सी पंडाल वड्डा, फिर वह दिन आ गया, बड़ा वड्डा पंडाल सजिया, सब भली भांत ही जानते सी कोई कौतक विशाल होण लगा वड्डा। अगे दसदे ने कि वड्डा पंडाल लगा दिता है, संगतां बैठियां ने, कोई 30,000 का इकट्ठ, कोई 80,000 का इकट्ठ, दसदे ने बड़ा तकड़ा इकट्ठ है अज विसाखी के दिन ते, किहड़ा कौतक गुरु महाराज ने दिखाना है, बड़ियां संगतां इकट्ठ होईयां आनंदपुर आनंदा दी पुरी ते। अगे कवि लिखदा सजी हुई संगत विच, बड़ी संगत दा इकट्ठ है, सजी हुई संगत है, सजी हुई संगत विच आया पीरां दा पीर सी,
दशमेश पिता महाराज अज सजी हुई संगत दे विच जद आए ने अगे लिखदा कि जिस दे मुखड़े ते सी तेज बड़ा बड़ा तेज है अज महाराज दे चेहरे ते जिस दे मुख ते सी तेज बड़ा जिस दे हाथ विच नंगी शमशीर सी आ सी कौतक बसाखी वाले दिन दा महाराज अज संगतां दे रूबरू होया महाराज दे चेहरे ते जलाल है हाथ विच नंगी शमशीर है ये अज भी नजारा देख के चुपचाप छफेरा हो गया सी सारे शांत हो गए ये केड़ा कौतक है केड़ा कौतक है माजा वाले दा सारा चुप छाप छां गई अज जद अज दशमेश पिता ने आ सामने खलो गया सी ओ हाथ विच फड़ी शमशीर बिजली वांग चमकदी सी जड़ी महाराज दे हाथ विच शमशीर सी एं बिजली दी तरह चमकदी सी सारा ही सुनमसान पंडाल हो गया शांत हो गया केड़ा कौतक महाराज दिखलण गए चेहरे ते बड़ा जलाल है महाराज जी दे अज गुरां गर्द भी आवाज विच गुरां ने गर्द भी उच्ची आवाज विच गुरां गर्द भी आवाज विच संगतां नूं गल आखी जी सिर मंगदी है शमशीर मेरी ए लहू दी प्यासी जी ए लहू दी प्यासी जी महाराज ने पुकार दिता संगतां दे विच के मेरी शमशीर लहू दी सीस दी मंग करदी है फिर चारे पासे चुप चाप शांत हो गया अगे कवि लिखदा कोई उठे सूरमा महाराज ने आख्या कोई उठे सूरमा इस शमशीर दी भेटा चढ़ना चाहे जो सिखी दे स्कूल विच पढ़ना चाहे जो कोई है सूरमा कोई ऐसा सूरमा उठे जो मेरी शमशीर दी भेटा चढ़ना चाहे जो सुखी दे स्कूल विच पढ़ना जावे प्रगट खालसा परमात्म की मौज ते खालसा प्रगट कीता मारन केड़े खालसा सर बड़ा काठे उते प्रसाद लंगर खाने वाले भी बहुत ने बड़ी गिनती भारी काठ है पर विरले ने जो गुरु दी गुरु ने परचा पा दिता कि विरले उठते ने फिर होके हो हक्के बक्के देखन सारे खब्बे सज्जे जी सारे देखदे नु केड़ा उठे केड़ा सीस अपना भेट करे गुरु नु महाराज अगे लिखदे ने कई लंगरां दे शकीन छड पकवा पंडाल भज्जे जी अज तौखा हो गया अज तो औखा गुरु ने कर दिता जेडे लंगर छकन आए सी मेला चेला देखन आए सी पंडाल छड के तुर पए ने अगे जद दूजी वार सिर मंगिया जग दे वाली जी अद्धो नाल पंडाल हो गया खाली सी फिर महाराज ने बंगाल दूजी वार फिर आख्या जदों सीस दी मंग कीती ते फिर पंडाल घटने शुरू हो गए फिर उठ के तुरने शुरू हो गए इत्थे ताईं कि माता गुजरी जी पास जाके भी उन्होंने मसंदा ने शिकायत कर दी कि गुरु महाराज नूं समझाओ अज ओ सीस मंगदे ने सिखां दे सिर मंगदे ने ऐसे गुरु नूं समझाउणा करो अगे कवि लिखदा हुण विरले ही लोक रह गए पंडाल दे अंदर दी हुण बिरले ने जिहड़े गुरु दे शब्द नूं गुरु दी सिख्या नूं धारण करना चाहुंदे ने ते जिन्हां नूं भरोसा है टेक है गुरु दे बिरले पंडाल दे विच रह गए ने बाकी तो उठ के चल गए ने अगे लिखदा सब डरदे है डरदा जान खिसक दे सामने देख मौत दा मंदर जी सारे हुण देखिया मोहरे मौत दिसदी आ कौन शमशीर दी भेटा चढ़े सब खिसक गए ने छड़ के पंडाल फिर दया राम जी फिर दया राम जी उठिया गुरां दे सन्मुख आया जी उठिया जिन्हों शरदा सी भरोसा सी गुरु ते ए गुरु महाराज जे सी सिर मंगया है ते फिर डरना किस गल दा है तन मन धन सब सौंप गुरु को तन ते गुरु ने साडा धन की करना धन सवासां दा है महाराज बख्शी इसे करदा कहिंदे फिर दया राम जी उठिया जी गुरां दे सन्मुख होया जी फिर उसने सीस कटन लई सतगुरु दा तरला पाया जी आख्या पल्ला पाके महाराज मेरा सीस कबूल करो मेरा सिर कबूल करो अगे ले गुरु गुरां लजा तंबू दे विच सीस लाया जी तंबू दे विच महाराज लै गए ने ते तलवार चलण दी आवाज दिखाई आई है फिर एक होर सीस दी लोड़ है सतगुरु फिर संगतां नूं फरमाया दूजी वार महाराज शमशीर लैके फिर उसे पंडाल दे विच गर्ज मारी है कि एक सीस दी अज फिर गुरु नूं लोड़ है एक सिर दी फिर अगे लिखदा है
दूजा सिर सी धर्म चंद का तीजा हिम्मत राय का दो सिख होर उठ पे फिर जिन्हां नूं टेक सी भरोसा सी गुरु ते भाई धर्म चंद जो धर्म सिंह दे नाल नवाजे गए फिर तीजा हिम्मत राय जी चौथा मोहकम चंद उठिया पंजवां साहब सदावे जी प्यारे जो असी नेतापति अरदास याद करते अज आनंद पुरी दे उत्ते महाराज ने नंगी शमशीर लैके पंजां दे सिर मंगे ने प्रवान होए ने अगे हुण पंजां पिछो छेवें दी मंगना आई जी गुरा सीस धड़ा ना जोड़ टुटी गंढाई गंढ दित्ते जय महाराज सब कुछ करने नूं समर्थ है गुरु रख सर्ब लोधा हुण अगे देखो महाराज की कौतक की रचिया नंदा दी पुरी दे उत्ते रख सर्ब लोधा वाटा गुरां विच पाणी पाया जी ला वीर आसन ला वीर आसन खंडा वाटे विच पाया जी महाराज आसन ला के बह के नित खंडा उस वाटे विच पा दिता जप जाप चौपी सवैये आनंद वाणी दा गुण गाया जी महाराज ने गुरबाणी पढ़ी है मुख दे विच ते वाटा उस पाणी विच पा दिता अगे माता साहब देवा चूर पतासियां दा विच मलाया जी ਉਹ ਕੌਤਕ ਸਾਰਾ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਧਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਛਿੱਟਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਖਾਸ ਫੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਚੂੜੇ ਛਕਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਜਾਇਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ ਜੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਗੁਰਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਚਕਾਓ ਜੀ ਦਇਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੈਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਚਕਾਓ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣ ਚੇਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸਭ ਦੇਖ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਲ ਕੈਸਾ ਖੇਲਾ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕੈਸਾ ਖੇਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ
ऐसा सिख गुरु ते गुरु सिख हो गया, ऐसा खेल महाराज ने रचा दिता आनंदा दी पुरी दे विच, ऐसा कौतक जो आनंदा दी पुरी दे विसाखी वाले दिन। फिर वाह पार पियो मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। संघ दी भारत वर दी दशा ऐसी सी, इत्थे बड़े बड़े पठान आए, तुरक चढ़ के आए, इसनू लुटिया, इस दियां बहु बेटियां दी इज्जतां ताईं इत्थे धन दौलत लुटी। एक दसवें पातशाह महाराज जी ने उन्हां नूं रुला के रख दिता। उन्हां ने तुर्कमनिस्तान, उन्हां अफगानिस्तान, सारे पासे उन्हां दा राज सी। जिथे मर्जी बाहर निकल के देखो उन्हां दा अरब ते अरब कंट्रियां ते मुस्लिम राज सी। भारत वर्ष दे विच दसवें पातशाह नूं उन्हां ने, दसवें पातशाह ने अपनी शमशीर दे नाल उन्हां नूं दरियावां दे विच रोड़ के रख दिता। लागे छागे सारे पासे उन्हां तुर्कमिनिस्तान अफगानिस्तान सारे पासे उन्हां दा राज झंडे के उन्हां दे झूलदे सन, हैदरी झंडे। लेकिन जे बचाया हिंदुस्तान दी पत्त रखी तां दसवें पातशाह ने उन्हां नूं रोड़ के रख दिता। ऐसा अमृत दी पान, ऐसी महर ने ऐसी ताकत बख्शिश कीती उन्हां नूं। सिख धर्म दा जदों इतिहास पढ़दे आ इत्थे बड़े बड़े कौतक होए ने। जिथे आप 40 मुक्तियां का जिक्र आता, ऐसे खालसे की पान है। लखा सवा लख की फौज एक एक महाराज ने पांच पांच लड़वा दिते, एक एक लड़वा दिता। ऐसी ऐसी पान है खालसे की, ऐसी ताकत भर दिती महाराज ने। सो वो खालसे का दिहाड़ा सिख संगत मना रही है। असी दिहाड़े मनाने चाहिए आ मनाने, पर अपना भी गुरु की सिक्ख्या चाहिए है। जिमें फसल बीजी है, फसल बीजी है, झाड़ की निकलिया, बड़े प्रोग्राम किए, बड़ा कुछ किया, लंगर लाए, उसका साढ़े को असी भी देखना किन्ने क उस पंध ते तुरे ने, किन्ने क सिंह सज गए ने साढ़े पास। इतना असी इतना खर्चा करते, सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखे जाते हैं, पर उसका निचोड़ की निकलता देखना पवेगा। सब महाराज की बाणी समझाती है कि जिमें इस लवेरी एक लवेरी, जैसे मझ चाहे गाऊ, उसकी बड़ी सेवा की जाती है, पालिया जाता, जो दुध ही नहीं दिंदी तो किसी काम की नहीं, वो किसी अर्थ नहीं है। जितना मर्जी फसल का चंग सोहना भी पा लीजिए, धरती वाली, जो उसमें पानी नहीं मिलेगा वह किमें साढ़े काम की नहीं, वह भी व्यर्थ चली जाती जी। इस तरह जो जीवन के गुरु की सिक्ख्या नहीं, नाम नहीं, तो जीवन भी व्यर्था चले जाएगा। आना जाना तो संसार विच है, परमात्मा निर्वैर है, सब नूं स्वास दे रहा, पालन पोषण करता वाहिगुरु साहब का। लेकिन जिन्होंने गुरु के कोल बह के उस परमात्मा की सोझी हो गई, अपने आप नूं वांछिया आके परमात्मा कितने दूर पर्वतों में नहीं बसता, इस देही विच ही बसता है। महाराज गुरु अर्जन देव महाराज रहराज साहब दे विच नितां प्रति समझाउंदे ने, भई प्राप्त मनुख दिहरिया गोबिंद मिल के तेरी वरिया, पर मन विच चाहे च नहीं गोबिंद नूं मिलण दी, फिर किवें बाणी समझ आवे। तित सरवड़े भईले निवासा, पानी पावक तिने किया पंकज मोह, पग नहीं चले पंकज मोह। ऐसा चिकड़ है मोह दा के पग चलदा ही नहीं है, मोह दे चिकड़ विच फसे पए। ऐसा तित सरवड़े भईले, ऐसे निवासा, ऐसा निवास हो चुका, मोह दे चिकड़ विच पग चलदा ही नहीं है। पढ़ते ना रोज, पर जे विचारांगे तित सरवड़े भईले निवासा, पानी पावक ऐसा पानी अग दा महाराज कहिंदे, ऐसा पानी पावक तिने किया पंकज मोह, पग नहीं चाले हम देखा ते डूबियले, नेकां इत्थे डुब गए ने इहदे विच। मन एक ना चेत सुमड़ा, मन चाह दे नहीं करदा परमात्मा, हर विसरत तेरे गुण गलिया। जितना मर्जी गुणा दा बारो गुणा वाला बन जा, लोकी बल्ले बल्ले कर्म, जे परमात्मा ने प्यार नहीं तो तेरे किसी अर्थ नहीं किए हुए कर्म गुण। सो संगत जी समय नूं देखदिया होया कीर्तन जथा आ गया, इतनी सेवा प्रवान करनी, गुरबाणी की विचार करदियां, गुरु इतिहास का विचार करदियां, एक नहीं अनेक तरह दियां भुल्लां गलतियां हो जांदियां। गुरबाणी अथाह समुंदर है, गुरु और गुरु की संत बख्शन जुगे थे फतेह की सांझ पावेंगे, फतेह जो फतेह विच जणा होईआं भुल्लां खिमा करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.
बैसाख भला साखा बेस करे कर आओ प्यारे दुतर तारे तुद बिन अट ना मोलो कर आओ प्यारे दुतर तारे तुद बिन अट ना मोलो कीमत कौन करे तुद पामा दिखावे टोलो कीमत कौन करे तुद पामा देख दिखावे टोलो तन देखे हर द्वार तन देखे हर द्वार आव दया करे सखा बेस करे बैसाख भला सखा बेस करे करे दूर न जाना अंतर माना हर का महल बसाना दूर न जाना दूर न जाना दूर न जाना हाँ आया दूरों चल के तो शरणाए जियो मैं तकी तो शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो सबो दुख गवाए जियो दूर ना जाना अंतर माना
ਘਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਬਸ਼ਾਨਾ ਨਾਨਕ ਬੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ ਨਾਨਕ ਬੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ ਬੈਸਾ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਬੇਸ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ 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 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ 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 ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਖਾਲਸਾ 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 ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਕੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ
जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज क्यों मैं सारा खालसा 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 अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट हो खालसा परमात्म की मौज प्रगट हो खालसा परमात्म की मौज खालसा 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 जब एह कह बिपरन की रीत मैं न करूं इनकी परती जब एह कह बिपरन की रीत मैं न करूं इनकी परती खालसा 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 अकाल पुरख की खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम नहीं मोसे गरीब करोड़ परे 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 सजे हम हैं 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 युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सोदान करे अग ओग डरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फोन ताम परे इन्हीं की प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं की कृपा सब सतुर मरे खालसा 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 अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज आओ शब्द की समाप्ति करनी है सारी संगत ने एक बार अरदास एक बार आप सर्व संगतां इहो गुरु नानक दा स्थान है जिथे आप इलाके दियां सर्व संगतां नमस्तक हो के असीस प्राप्त कर दिया ने उत्थे देश विदेश की धरती तो भी ये जो संतां महापुरखां दा पावन पवित्र स्थान है जिथे
24 घंटे गुरबाणी के प्रवाह चलते ने ते संगत नूं गुरु दा उपदेश बख्श किया जाता है। सारे ने सीस झुका के हाजरी लगाउणी, आओ एक बार अरदास, दूसरी बारी सारी संगत। खालसा 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 खाल खालसा 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 ये अकाल पुरख की फौज कीड़ी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की याद में जुड़ बैठे हाँ। इतिहास तो आप सब वाकफ हो, समा सीमित है। अज के दिन कलगी वाले पातशाह 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ स्थापना दिवस उस दिन ऐसे खालसे की सजना की। संसार के सब तो नवेकला जे कोई पहरावा है तो वह गुरु के सिंह का। लखां की तादाद गुरु के सिंह दूर तो पछाने जाते हैं। तो ऐसिया कुरबानियों तो बाद एक खालसा स्थापित होया। छोटे छोटे बच्चों तो लैके बजुर्गों तक इन कुरबानियां हुई। जे अज असी अपना सीस मस्तक चक के आजादी ना घूम रहे हैं तो ये मेरे पातशाह कलगी धर की कृपा है। साच कहो सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्होंने अमृतपान करवा के पंज सिंह तैयार किए। वाह प्रगट्यो अमृत अगमणा बरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ते अज मेरे वीर ते मेरिया भैणा, जे वीर वधिया दमाला सजा सकता है ते मेरी भैन भी वधिया दमाला सजा सकती है ते गुरु साहब जी की ताबिया ते बैठ के पाठ भी करती है। ए जो माण हासिल होया मेरे कलगी वाले पातशाह जी तो प्राप्त होया। आओ आपां उन्हां दा खालसा पंथ चढ़दी कला विच मना रहे हैं। एक बारी गज के फतेह आखो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ इन्हां पंक्तियों नूं उच्चारण करिए। खालसा 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 खाल खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। पुरख की फौज। पुरख की फौज। वाहे गुरु। आओ अखीर विच राजन के राजा महाराजन के महाराजा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी राजियां दे राजे महाराजियां दे महाराज। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है। सतगुरां दे दरबार दे विच 52 कवि सन ते सब तो ज़्यादा जो माण हासिल प्राप्त होया भाई नंद लाल जी नूं। उन्हां ने ऐसियां ऐसियां रचनावां लिखियां फारसी दे विच तन कलगीधर पातशाह जी दी सिफ़सला करदे ने। दीन दुनिया दरक मंदे आम परी रुख सार मां, हर दो आलम कीमत यक तार मोए यार मां। ते आओ कलगीधर पातशाह जिहड़े कई भाषावां दे ज्ञाता सन उन्हां दी रचना ये है राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ये कह के दस खेमा दे जा चुके होण गया जी। वा प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, बरियाम अकेला
वाह वाह गोविंद सिंह आपे 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 गुरु चेला आपे गुरु चेला राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए और दूजा कौन त्याइए ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए और दूजा कौन त्याइए राजा महाराजा राजा महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा छत्रधारी छत्रिपत शैल रूप शितनार छौनिकर छाया बार छत्रिपत गाये छत्रिपत गाये विश्वनाथ बिसंबर वेदनाथ बलकर बाजीगर बान त्यारी बंधन बताइए बंधन बताइए विश्वनाथ बिसंबर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बान त्यारी बंधन बताइए बंधन बताइए राजा महाराजा राजा महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजा 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजान राज पालन पाल देवान देव उपमा महा राजान राज पालन पाल देवान देव उपमा महा तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के राजा सब राजन के राजा सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा
आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। न्यूली कर्म दूता तारी विद्या तर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे नेक ध्यान होना, ध्यान होना पाये ध्यान होना। राजा महाराजा, राजा महाराजा, राजन के राजा महाराजन के 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 महाराजा। हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम बैठे हम बैठे, तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा, राजा राजा महाराजा महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। वाहे गुरु धन वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के राजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा।